हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको हम लेसन टू से रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, उसमें तो आप लोगों को हम लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लिखवा चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको केवल हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही कथन पर सही तथा गलत चिन्ह लगाइए, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या है कि जौ के प्रलवन से शराब के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो वाइन फैक्ट्री होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस से क्या किया जाता है कि एल्कोहल बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस में यानी कि फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे शराब बनाया जाता, ठीक। तो इससे पहले क्या मतलब होगा, ईस्ट। फिर अगला है, एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो एक रोग का कारण बनता है और उस रोग को क्या कहते हैं, निद्रा रोग। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूक्सी। ट्रिप्नोसोमा ब्रूक्सी नामक जो प्रोटोजोआ है उसके कारण कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है, ओके, ठीक। अब देखिए जो थर्ड है, एक प्रकार का शैवाल जो किसमें रहता है, समूह, जिसमें आपको मिला रहेगा, उस शैवाल का नाम बताना है जो कॉलोनी में रहता है यानी कि समुदाय में रहता है या समूह में। तो उस शैवाल का नाम है वॉलवॉक्स, ठीक, क्या नाम है, वॉलवॉक्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम यानी कि प्रोटोजोआ संघ से विराम करता है और यह भोजन को पकड़ने के लिए किसकी सहायता करता है, मतलब किसकी सहायता से यह भोजन को पकड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हो, हम आपको एक वीडियो बताए थे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाए थे और उसमें उसके शरीर के चारों तरफ रोवे जैसी संरचनाएँ होती हैं जिसे कहते हैं कसाबिंग। क्या कहते हैं, कसाबिंग। और ये कसाबिंग जो होते हैं भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, कसाबिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जो बहुत हाई टेम्परेचर वाष्प से तैयार किया जाता है। तो इसमें आप मोमोज फिलअप कर सकते हैं। और भी कोई खाद्य पदार्थ का नाम आप जैसे कि जानते हैं कि लोग गाँव में फरावा बनाते हैं, फरा भी ऐसे बनाया जाता है और मोमोज भी, उसको नीचे पानी रहता है और उसको हाई टेम्परेचर में पानी गर्म किया जाता है, जो उससे वाप होती है, वाष्प निकलती है, उसी वाष्प से क्या करता है, मोमो पकता है धीरे धीरे, ठीक। यहाँ पर मोमोज लिख दिया जाएगा। फिर आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, प्रोटोजोआ पादप सदृश जीवधारी है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जैसा कि आप जानते हो कि तो ये आपका कथन सत्य वैसे, लेकिन इसमें जो होता है पादप सदृश जीवधारी जैसे अमीबा है और पैरामीशियम, ये पौधे जैसा नहीं दिखता है, केवल यूरिना है वो पौधे जैसा दिखता है। तो चूंकि अब प्रोटोजोआ में यूरिना भी आता है और अमीबा और पैरामीशियम भी आते हैं, लेकिन ये भी सही है कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, पादप सदृश गुणों का ही प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसको हमने सही रखा। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब पादप सदृश जैसे गुणों का ही प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसको सही किया जा रहा है। फिलहाल इसमें हल्का सा डाउट है क्योंकि यूरिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये परजीवी नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं होता है, ठीक। देखिए यूरिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, कर सकते हैं विषाणु मानव के लिए लाभकारी हैं, तो जितने विषाणु हैं सब मानव के लिए हानिकारक ही हैं, लाभकारी कोई इसलिए कथन। लाइकेन एक शैवाल है, देखो लाइकेन एक शैवाल नहीं है जबकि लाइकेन एक सहजीवी जीव है, ठीक है, जो शैवाल और कवक के आपस में एक साथ रहने से
लाइगेंड बनता है, यानी कि लाइगेंड में सहराल और प्रोब होते हैं जो एक दूसरे के किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, जैसे आवास सेल्टर और भोजन दोनों में एक दूसरे की शेयर करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, तो लाइगेंड में क्या होता है कि फंगस और सहराल दोनों होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे को शेयर करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है, केवल सहराल नहीं और भी कल समुद्री घर बता रहे सही है, स्पाइरल आ रहा है फिर समुद्री सेवा रह भी सकते हैं, फिर जीवाणु पूर्ण विक्षुणा भी पाया जाता भी सकते हैं, फिर टूबैको मोज़ेक एक वायरस होता है। ठीक है, जिसके कारण तंबाकू भी रोग फैलता है, तो इसलिए कवक का नाम दिया, इसलिए गलत है। फिर विषम शब्द को आपको गोले में लिखना, जो अगला टॉपिक है विषम शब्द को गोले में लिखना है, इसमें देखिए गन्ना कौन सन और ये देखो तीनों जो है ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जो है ये जीवाणु की आकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि जो एना बेना है ये एक प्रकार का शैवाल है, ये शैवाल का नाम है, इसलिए क्या विषम शब्द। ठीक, इसलिए इसको सेकंड में करेंगे। इसमें ब्लाइट एंथ्रेक्स में, इसमें एंथ्रेक्स जो है वो विषम शब्द है, ताकि इसमें ब्लाइट और जो भी है ये फंगस से फैलने वाले रोग होते हैं और पौधों में फैलते हैं। फिर एक क्लेमाइडोमोनास स्पाइरो वगैरह अमीबा नॉस्टर। ठीक, अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, क्लेमाइडोमोनास स्पाइरो वगैरह नॉस्टर ये सब शैवाल है। ठीक है, ये सब क्या है शैवाल के नाम, जबकि अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ, इसमें ये आपका ठीक विषम शब्द आपका क्या है अमीबा। ठीक है, फिर है सिलिका सोडियम बेंजोएट अगार अगार सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। देखिए सिलिका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है, जबकि अगार अगार इसमें विषम शब्द है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल है, और इसमें देखिए कि कुछ और है, देखिए दरअसल बात इसमें जो एक और मिलान करना है, इसमें आपका जो दिया है कि देखिए इसमें जो पहला है माइसीलियम, ठीक है माइसीलियम, और इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है चप्पल क्या आकार का है, प्लाज्मोडियम है, जेम जेली आद है, राइजोपस है, वायरल रोग है, सीरा का किण्वन है, कवक है। ठीक, पोटोटो ब्लाइट पैरामीशियम मलेरिया का प्रोटोजोआ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड रेबीज और इथाइल एल्कोहल। ठीक, तो एथाइल एल्कोहल जो है वो सीरे का किण्वन होगा, तो इसमें आपका ये फिलअप कर दिया जाएगा, यानी कि सेवन का जो होगा वो यहाँ पे रहेगा सेवन। ठीक है, ये सेवन हो जाएगा। फिर रेबीज, रेबीज क्या है देखिए, रेबीज जो है ये पहले इसमें देखिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये जैम जेली आदि में प्रयोग किया जाता है इसका, तो इसमें फाइव हो गया। ठीक है, मलेरिया कारक प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम है फोर, तो इसमें फोर कर दिया गया। फिर पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है, और पोटोटो ब्लाइट जो पोटोटो ब्लाइट है एक कवकीय रोग है। ठीक है, कवकीय रोग है, और राइजोपस जो है, राइजोपस माइसीलियम, माइसीलियम राइजोपस। ठीक है, और वायरल रोग, तो इस तरीके से आपका है मिलान कीजिए। ठीक, इसमें देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर आगे जो ये क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें फर्स्ट है हारवार प्रक्रिया प्राप्त करने में सहायता करता है, तो इसमें होगा अमोनिया, क्या होगा अमोनिया, इसमें आपका फर्स्ट में सही है। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं, इसमें देख लेते हैं, पहला है क्या है कि सर्दी जुखाम का कारक है, सर्दी जुखाम का जो कारक है TMB FMD गोलाणु राइनो वायरस। ठीक है, तो इसमें जो है गोलाणु। फिर खाद्य पदार्थों में नमक मिलाना किससे रक्षा करता है, तो खाद्य पदार्थों कोशिकाओं में जल का निष्कासन हो जाता है। दही का निर्माण किसकी क्रिया के कारण होता है,
लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। फिर है ईस्ट किसके निर्माण में सहायता करता है, तो ईस्ट जो होता है ये एल्कोहल निर्माण में सहायता करता है। फिर है प्रोटोजुआन जो पिस्सू के शरीर में निवास करता है वो है टिप्नोसोमा। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। फिर चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, किण्वन, फ्रेगमेंटेशन। फिर है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, घरेलू मक्खी। फिर मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, मादा है ना फ्लीज मच्छर। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो लेसन टू है आज से क्लियर हो जा रहा है और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।